अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं GS वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल सिरात के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुल सिरात हक है, यानी कि इस पे यकीन रखना मोमिन की पहचान है और जो इसको ना माने वो काफिर है। ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर होगा। ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, यानी कि ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर होगा, जो बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। उसमें इतनी ज्यादा तेज धार होगी कि तलवार से भी ज्यादा। जन्नत का यही रास्ता है, सबको इस पर चलकर जन्नत में दाखिल होना है। जो काफिर होगा वो इस पर नहीं चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा, लेकिन मुसलमान इसको पार कर देंगे। बाज लोग तो इतनी तेजी से इसको पार करेंगे जैसे बिजली चमकती है, अभी इधर थे अभी उधर पहुंच गए। और बाज लोग तेज हवा की तरह इसको पार करेंगे, और कुछ लोग इसको घोड़े की तरह पार करेंगे, और कुछ लोग धीरे धीरे गिरते पड़ते कांपते लंगड़ाते हुए इसको पार करेंगे। जितना अच्छा जिसका आमाल होगा उतनी ही जल्दी ये पार होगा, यानी कि अगर आपने अच्छे काम करे, पांचों वक्त की नमाज पढ़ी है, तब आप इसको आसानी से पार कर दोगे, और अगर आपने कुछ गलत काम करे तब आप इसको बड़ी मुश्किल से पार कर पाओगे। जिसका जैसा आमाल होगा वो उतनी ही तेजी से इसको पार करेगा। पुल सिरात एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर है। जन्नत का एक वही रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर होकर गुजरा है। आपको और मुझे, हम सबको उसके ऊपर से गुजरना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे काम किया करो, जितने अच्छे काम होंगे उतना ही आपको उसका अजर मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम बातों पर अमल कीजिए। पुल सिरात को पार करना है, पुल सिरात के बारे में सोचिए, उसके नीचे जहन्नम है। अगर उस पर से गिर गए तो क्या हालत होगी आपने सोचा है? आज अगर दुनिया में जरा सा अगर सिगरेट का जरा सा फूल अगर हाथ पे गिर जाए तो छाला पड़ जाता है, 3 दिन उसकी जलन रहती है। या फिर जो हमारी बहनें हैं वो रोटी डालते हुए पे या फिर खाने में बघार लगाते हुए पे जरा सा भी तेल गिर जाता है तो उनके हाथों में जलन मचने लगती है। तो वो जरा सोचे कि वो जहन्नम की आग को कैसे करके बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पंज वक्ता नमाजी बन जाइए। अल्लाह तबारक बताला से दुआ है, अल्लाह हमें और आपको पंज वक्ता नमाजी बनाने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे दिल से गुजारिश, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो सुधर जाए। तो इस वीडियो को दिल खोल के शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक बताला आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की रोज की 2 वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, 1 सुबह 11 बजे और 1 शाम में 8 बजे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके, और रोज की 2 वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।